मोस्ट सेलिंग नोड स्मार्टफोन्स का एक और नोड 3 स्मार्टफोन लेके आ गए हैं हम। इसको काफी ज्यादा प्रीमियम स्मार्टफोन बताया गया है, तो क्या एक्चुअल में ही ये स्मार्टफोन प्रीमियम निकल के आता है, सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, हम इसकी सबसे पहले अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले कुछ इस तरीके का इसका बॉक्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट ओपन करते हैं, इसके अंदर हमें कवर देखने को मिलता है, काफी ही अलग इसका डिजाइन दिया गया है कवर का। जी हाँ, काफी हटके इसका डिजाइन बनाया गया है कवर को लेके, तो ये अच्छी बात लगी है नोड की तरफ से। ये हमारा मेन डिवाइस निकल के आता है, इसको हम एक बार साइड में रख देते हैं। 80 वोल्ट का आपको इसके अंदर अडेप्टर देखने को मिलता है, साथ में ही वन प्लस की मोस्ट पॉपुलर आपको केबल भी देखने को मिलती है रेड केबल में। मैं इन सब को साइड में रख देता हूं, मेन हम इस डिवाइस के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये काफी ही आपको पीछे की साइड ग्लोसी डिजाइन देखने को मिलता है, कुछ आपको ग्रीन सा शेड इसमें देखने को मिलता है, ग्रीन और ग्रे का कुछ मिक्सा कॉम्बिनेशन इसके अंदर आपको बनाया गया है। 3 कैमरे का सेटअप इसमें देखने को मिलता है, 2 फ्लैश वाले डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं, एक्चुअल में आपको एक ही फ्लैश इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। राइट हैंड साइड पे पावर का स्विच देखने को मिलता है और आपको अलर्ट स्लाइडर भी दिया गया है, ये काफी अच्छी चीज कर दी वन प्लस फिर से इसको लेके आके। ऊपर की साइड आपको आईआर ब्लास्टर देखने को मिलता है, नॉइस कैंसलेशन माइक देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा आपको स्पीकर देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको 2 स्पीकर देखने को मिलता है। नीचे की साइड आपको स्पीकर, चार्जिंग कनेक्टर, माइक और आपको सिम ट्रे देखने को मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स भी देखने को मिलते हैं, काफी एक फ्लैट आगे की साइड डिस्प्ले इसमें देखने को मिलती है। पीछे की साइड जो ग्लास का डिजाइन दिया गया है वो हल्का सा कर्व्ड बना दिया गया है, काफी इंटरेस्टिंग सा इसका डिजाइन आपको फील होता है। पीछे की साइड भी आपको ग्लास देखने को मिलता है, गोरिल्ला ग्लास, 5 की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है। आगे की साइड में आपको विक्टर्स ग्लास देखने को मिलता है, फ्रेम जो होने वाला वो प्लास्टिक का ही देखने को मिलता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन का आपको डिजाइन कुछ देखा देखा सा फील होता है, क्योंकि सेम सा ही डिजाइन आपको वन प्लस नोट सीई 3 लाइट में आपको देखने को मिलता है। 2 कैमरे का ही सेटअप का डिजाइन बनाया गया था, उसमें एक्चुअल 2 कैमरे थे, इसमें 3 कैमरे दे दिए गए हैं। सिंगल ई फ्लैश देखने को मिलता है, लगभग सेम सी ही डिजाइन आपको देखने को मिलता है। कुछ ओवरव्यू की हम बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमुलेट आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 120 हर्ट्ज पे ये डिस्प्ले काम करती है, HDR10 का भी आपको इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिलता है। फटाफट से हम इसके अंदर कैमरे की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, जो सोनी के लेंस IMX890 के साथ में OIS के साथ में आता है। जी हाँ, 8 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको डेप्थ लेंस सेंसर देखने को मिलता है। डेप्थ सेंसर ना देखे या तो वाइड एंगल को ही बढ़ा दिया जाता, या फिर इसके अंदर आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता। कैमरे का एक काफी बेस्ट ये प्रोडक्ट हो सकता था अगर इसके अंदर भी आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता। अभी डेप्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल को बिल्कुल भी मेरे हिसाब से किसी यूजर्स के काम का नहीं है ये कैमरा, तो इससे अच्छा ना ही देके 8 मेगापिक्सल की जगह कुछ एक्स्ट्रा वाइड एंगल आपको साथ में दे सकते थे। इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है पंच होल कैमरे सेटअप के साथ में ही। साथ में अगर मैं इसकी UI की बात करता हूं ना, तो ऑक्सीजन OS 13.1 आपको इसके अंदर देखने को मिलता है विद एंड्रॉइड 13। इसके अंदर जो इस वन प्लस का मेरे को जो OS है ना, UI जो है वो काफी बेस्ट देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखने को नहीं मिलती है, हॉट एप्स, हॉट गेम्स ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता, काफी ही क्लीन इसके अंदर आपको UI देखने को मिलती है। अगर मैं डिस्प्ले की भी बात कर रहा हूं ना, तो काफी एक स्मूथ इसके अंदर डिस्प्ले काम करते, काफी ही आपको प्रीमियम वाली फीलिंग कराती है डिस्प्ले को लेके और पीछे ग्लास को लेके। बट इसका अगर फ्रेम भी मेटल का आपको देखने को मिल जाता ना, काफी एक बेस्ट ये प्रोडक्ट हो सकता था। 34,000 में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। इस स्मार्टफोन की थोड़ी सी ज्यादा आपको ओवर प्राइजेस फील हो सकती है, ये अगर आपको 30,000 के आसपास भी मिल जाता तो काफी एक बेस्ट प्रोडक्ट निकल के आता। बाकी अगर 34,000 अगर इस प्राइस में अगर कोई भी स्मार्टफोन सेल होता है, तो इसके अंदर आपको पोर्ट्रेट लेंस जरूर देखने को मिलना चाहिए था, साथ में फ्रेम जो है वो आपको मेटल का आपको देखने को मिलना चाहिए था। बाकी अगर ऑल ओवर ठीक ठाक सा ही ये स्मार्टफोन मेरे को फील हुआ है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9000 का प्रोसेसर इसमें देखने को मिलता है, तो प्रोसेसर भी मैं इतना बेस्ट नहीं बोलूंगा इस प्राइस को देखते हुए, वन प्लस ब्रांड को देखते हुए। वन प्लस को पता नहीं क्या हो गया,
कि ये अपनी खुद की ही वन प्लस जो प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन देती थी उसमें थोड़ा सा डाउन जाती जा रही है वन प्लस। बाकी इसके अंदर आपको कोई भी बेजल्स वगैरह इतने ज्यादा नहीं देखने को मिलते, ये काफी एक बेस्ट ये ऑप्शन होने वाला है क्योंकि बेजल्स इसमें बहुत ही कम आपको देखने को मिल जाते हैं। 5000 mAh की इसके अंदर आपको बैटरी देखने को मिलती है वो भी 80 वोट के चार्जर के साथ में ही। अगर मैं ऑल ओवर बात करता हूं तो 33,000-34,000 में आपको IQ का भी स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जो 8th Generation 1 वाला परफॉर्मेंस प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। बाकी अगर वन प्लस ब्रांड के साथ में जाना चाहते हो तो इसके ऊपर आपको कोई भी डिस्काउंट जरूर आएगा कुछ टाइम के बाद, तो उसके बाद ही आप ये स्मार्टफोन परचेजिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर आपको ना बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, ना आपको मेटल का, ना प्रीमियम वाली फीलिंग कराता है वन प्लस वाला। इसके अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।